हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं यूनिक सुमित, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक एस के आर टेक्नोलॉजी। आज के वीडियो में आपको एक पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम और काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके बेसिक कमांड है, उसके बारे में आज मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, मैं काली और ऑपरेटिंग सिस्टम और पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम का सिमिलर बेसिक कमांड होते हैं, उसके बारे में मैं ये वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों। उसके वीडियो के अंदर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप काली लिनक्स और पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम का सिमिलर कमांड है उससे आप क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि फाइल फोल्डर वो क्रिएट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं है, और आप पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारा टूल है वो यूज कर सकते हैं उसी कमांड की मदद से दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक एक स्टेप कर करके बताऊंगा कि कैसे आप अपनी पैरट और काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सिमिलर कमांड है उसकी मदद से आप क्या क्या कर सकते हो दोस्तों। अगर से आप हैकिंग में इंटरेस्ट और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो तो ये वीडियो जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे आप काली लिनक्स और पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है हैकिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिस्टम है उसके मैं बेसिक कमांड बता रहा हूँ दोस्तों। अगर से आप वो बेसिक कमांड अगर से सीख जाओगे तो आप हैकिंग में आपका बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो हम है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा दोस्तों कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को दबाए दोस्तों। बेल आइकन को क्यों दबाए दोस्तों, कि जब भी मैं यूट्यूब पर नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, इसीलिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हाँ तो दोस्तों आ गया है हमारे टेक्स्ट बुक पर, आप देख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इधर बेसिक कमांड, बहुत सारा कमांड मैंने लिख के रख दिया हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं इधर, और नीचे में बेसिक नेटवर्क कमांड है वो भी मैंने शो कर दिया हूँ दोस्तों डिस्प्ले पे, और इसको आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं या कॉपी में लिख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको टर्मिनल में एक एक स्टेप कर करके बताऊँगा ये कमांड। ये साइड से दोस्तों आप टर्मिनल और कंसोल का है वो काम कर सकते हैं, और इधर से भी टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। इधर सर्च करना है टर्मिनल या कंसोल सर्च करना है दोस्तों, देखिए यहाँ टर्मिनल कंसोल आ गया है दोस्तों। देखिए यहाँ से आप कुछ को फॉन्ट वगैरह है वो सर्च कर ले, वो सेट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए, मैंने कंट्रोल सी से अपना फॉन्ट है वो थोड़ा जूम कर लेता हूँ दोस्तों, देखिए मैंने थोड़ा जूम कर लिया, और मैं साइड में एक विंडो पैनल है वहीं वो ओपन कर रहा हूँ इधर से। देखिए एक मेरा एक टर्मिनल हो गया, और एक इधर से मैं विंडो पैनल है ओपन कर रहा हूँ, और विंडो पैनल के अंदर मैं एक टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ जो सिक्रेटी नाम से सेव है दोस्तों, देख सकते हैं आप। सिक्रेटी नाम के फोल्डर के अंदर भी एक फोल्डर है यहाँ लाइसेंस से, देख सकते हैं आप, और इसी के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या वो चेंज वेंज करना है दोस्तों। तो सबसे पहला कमांड है सीडी दोस्तों। सीडी स्टैंड फॉर कहता है टू चेंज द डायरेक्टरी। आप इधर देख सकते हैं कि आप प्रेजेंट टाइम में आप किस डायरेक्टरी पर काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको PWD कमांड देना है दोस्तों। PWD कमांड देने के बाद दोस्तों देखिए, आप होम और होम के अंदर सिक्योरिटी के इस लोकेशन पर काम कर रहे हो, तो चलिए एलियस कमांड से आप देख सकते हैं। तो मैंने इस पर एलियस कमांड दिया, एलियस कमांड के अंदर आप देख सकते हैं कि कितना सामान आपका फोल्डर है वो अभी शो हो रहा है दोस्तों। तो देखिए इतना सारा फोल्डर है वो शो हो रहा है। आपको डेस्कटॉप के अंदर जाने के लिए आपको CD कमांड यानी कि चेंज डायरेक्टरी कमांड का यूज़ करना है। तो चलिए CD कमांड मैंने टाइप किया। CD कमांड करने के लिए आपको यहाँ डेस्कटॉप भी टाइप करना पड़ेगा, और मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए PMDW टाइप किया। PMDW टाइप करने के होम सिक्योरिटी और डेस्कटॉप दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। गाइज, आपको फिर से उसी कमांड पे जाने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है दोस्तों। मैं इधर जो कमांड है वो मैं टाइप कर रहा हूँ, यानी कि आप अभी डेस्कटॉप पे है, आपको होम और सिक्योरिटी पे जाने के लिए CT... और इंटर करने के बाद देखिए आप आ चुके हैं उसी डायरेक्टरी पे जिस पे पहले थे, और इससे आप टाइप करें PWD पहला की कमांड है वो टाइप करके आप चेक कर सकते हैं होम और सिक्योरिटी अभी मात्र आ रहा है दोस्तों। तो चलिए इसी तरह से आप चेंज और किसी डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं, और अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ ये टर्मिनल का। देखिए
क्लियर कमांड लगा के मैंने अभी क्लियर कर दिया दोस्तों, देख सकते हैं कि। दूसरा नाम आता है एलियस का दोस्तों, लिस्ट। एलियस कमांड के यूज करके आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना फाइल और फोल्डर है दोस्तों। देखिए एलियस कमांड के यूज करके इतना सारा फाइल और फोल्डर है मुझको सीन हो गया दोस्तों। और पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर के अंदर में क्या क्या दोस्तों है वो चेक करने के लिए आपको एलियस और हाइफन और फोल्डर नेम का है वो कमांड देना पड़ेगा दोस्तों। और देने के बाद देखिए दोस्तों किस कितने सारा है वो फाइल और फोल्डर आ गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो चलिए मैंने क्लियर कर रहा हूँ अभी। क्लियर करने के बाद दोस्तों मैं देखिए फिर से मैंने क्लियर कर दिया और एक पेन प्रैक्टिकल करके मैं फिर से दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए एलियस कमांड का मैंने यूज कर दिया दोस्तों। एलियस कमांड यूज करने के बाद देखिए दोस्तों फिर से मेरा फाइल और फोल्डर है वो शो हो गया दोस्तों। और ये एलियस कमांड से मैं फिर पार्टिकुलर फाइल के अंदर क्या क्या फाइल है वो चेक करने के लिए दोस्तों देखिए मैंने फिर से वही कमांड यूज़ कर दिया दोस्तों, देख सकते हैं। और मैंने नाम है वो चेंज करके इस तरह का जो फाइल फोल्डर है वो आप देख सकते हैं दोस्तों। इस तरह से आप एलियस कमांड का यूज करके आप किसी डायरेक्टरी में काम कर रहे हो, डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या है वो आप चेक कर सकते हैं दोस्तों इसी तरह से। तो चलिए मैंने क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद देखिए मेरा थर्ड वाला है वो PW यानी कि प्रिंट करता है PWD कमांड। PWD आपको ये शो करेगा कि आप किस डायरेक्टरी पर अभी काम कर रहे हैं यानी कि प्रेजेंट डायरेक्टरी है वो सोच आपको शो करेगा दोस्तों। और इधर से देखते हैं मेरा लाइसेंस पे अभी मैं काम कर रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए मैंने CD डेस्कटॉप कमांड के यूज़ करके मैंने वो डायरेक्टरी पे आ गया हूँ दोस्तों, देख सकते हैं। और कैट कमांड की यूज करके ये फोल्डर का नाम मैंने टाइप किया। और कैट कमांड आपको फोल्डर के अंदर में क्या क्या लेटर वो टाइप होके आया है वो आपको शो करेगा दोस्तों। तो देखिए इतना सारा लेटर है वो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, और इस डॉक्यूमेंट को आप पढ़ भी सकते हो, देख भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इसी तरीके से। आप मैंने क्लियर कर दिया इसको। कैट कमांड को आप सिर्फ कुछ ही पार्टिकुलर फाइल के अंदर क्या टाइप यानी कि क्या लिखा है वो पढ़ने के लिए आप यूज कर सकते हो। तो चलिए मैंने कैट और ग्रेटर देन साइन का यूज करके मैंने आपको बता रहा हूँ myfile.txt। देखिए ये इधर पर मेरा फाइल है वो यानी कि क्रिएट हो गया, और इसके अंदर मैं कुछ लिख रहा हूँ। देखिए हेलो सर दिस इज़ द सेल्डर कुछ मैं टाइप कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप, मैंने ये टाइप कर दिया। देखिए इतना सारा टाइप कर देने के बाद देखिए इधर मेरा फोल्डर है आप देख सकते हैं, और ये फोल्डर के अंदर मैंने ये टाइप किया हूँ। देखिए आप देख सकते हैं इधर से। अगर आपको हैकिंग में इंटरेस्ट है दोस्तों तो आप पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम से आसानी से हैकिंग कर सकते हैं, और ये बेसिक कमांड है वो बहुत आपको यूजफुल होगा दोस्तों, कि आप बेसिक कमांड के बहुत सारा फ़ायदा ले सकते हैं हैकिंग में। तो हैकिंग में इंटरेस्ट हो दोस्तों तो आप कमेंट में यस करें। और मेरा अगला कमांड है मोर का दोस्तों, मोर। इधर से मेरा कॉपी का ऑप्शन आ रहा है अगला ऑप्शन दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ कॉपी का ऑप्शन आ रहा है। और MKDIR से आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। मूव और कॉपी के मैं आपको बता दूंगा, उससे पहले मैं आपको एक फोल्डर क्रिएट करके बता रहा हूँ तो दोस्तों। तो चलिए एक MKDIR और फाइल यानी फोल्डर नेम मैं दे रहा हूँ। देने के बाद देखिए दोस्तों इधर एक फोल्डर है वो क्रिएट हो गया है। आपको एक साथ में ही 2 या 3 फोल्डर बनाने के लिए आपको उसी कमांड का यूज़ करना पड़ेगा देखिए। और सिर्फ आपको फोल्डर नेम है वो स्लैश देकर आपको थपना पड़ेगा। देखिए मैं इस तरह का DR2 DR3 फोल्डर नेम दे रहा हूँ देखिए, और मेरा है वो क्रिएट हो गया दोस्तों। MDR ऑप्शन से आपने एक फाइल और फोल्डर क्रिएट किया था, और टच कमांड के यूज करके आप ब्लैंक फाइल है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो टच कमांड SFS मैंने दिया और एक फाइल नेम दे देता हूँ, और उससे देखिए दोस्तों यहाँ पर आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। देखिए मैंने ब्लैक फाइल है वो क्रिएट कर दिया हूँ, और फिर से मैंने टच कमांड का यूज किया और एक फाइल नेम है वो स्लैश देके मैंने दिया, और TXT के फॉर्मेट में मैंने क्रिएट कर दिया दोस्तों, देख सकते हैं आप। माना मैंने आपको फाइल और फोल्डर क्रिएट करना आ गया। ये फाइल और फोल्डर क्रिएट करके आप एक मूव और कॉपी करें कैसे करें वो फाइल और फोल्डर की, तो उसके लिए आपको CP कमांड का यूज़ करना पड़ेगा, और .-RBF का कमांड यूज़ करके आप वो फाइल नेम दे सकते हैं इधर पे। और फाइल नेम देने के बाद आप इंटर कर दीजिए, वो आपका फाइल और फोल्डर कॉपी हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसमें कॉपी होके आ गया है दोस्तों। और इसी तरह के आप फाइल तो कॉपी करना सीख गए हो, और आपको मैं अभी बताऊँगा कि आप फाइल को मूव करके कैसे
किसी फोल्डर के अंदर में रख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मैंने फोल्डर कॉपी करने के लिए उसी तरह से MB फाइल नेम और जिस ड्राइव के अंदर है वो देना है, और इंटर करने के बाद देखिए ये मूव होके उसी फोल्डर के अंदर है वो आपको मिल जाएगा दोस्तों। और इसके मैं क्लियर कर दिया दोस्तों। क्लियर करने के बाद देखिए मैंने वो फाइल का मूव फिर से आपको दिखा रहा हूँ बैक करके। देखिए फिर से ये फाइल कॉपी होके उसी फोल्डर के अंदर में चल गया है दोस्तों, देख सकते हैं आप। आपने क्या देखा, फाइल क्रिएट करना देखा, फाइल कॉपी मूव करना देखा, और अभी मैं REM से आपको फाइल रिमूव और फोल्डर रिमूव करने के मैं कमांड सिखा रहा हूँ दोस्तों। तो फाइल और फोल्डर रिमूव करने के लिए REM कमांड और फाइल नेम देना पड़ेगा दोस्तों। देखिए मेरा फाइल नेम अभी रिमूव हो गया है। इसी तरह से आप फोल्डर को भी रिमूव कर सकते हैं। देखिए मैंने कुछ 2-3 फाइल और फोल्डर रिमूव करके मैं बता रहा हूँ। देखिए रिमूव हो गया दोस्तों। इसी तरह से आप REM कमांड के यूज़ करके फाइल और फोल्डर है वो रिमूव कर सकते हैं। आपने फाइल क्रिएट करना सीखा, फाइल कॉपी करना सीखा, मूव करना सीखा, रिमूव भी करना सीख गया है दोस्तों। और यहाँ दूसरा ऑप्शन है टच का। टच के आपके वो यही बता दिया था पहले ही कि आप टच के कैसे आप ब्लैंक फाइल फोल्डर है वो क्रिएट कर सकते हैं, मैंने पहले ही दिखा दिया था उसके लिए। तो चलिए और मैं अपना दूसरा कमांड के लिए बढ़ता हूँ। दूसरा कमांड है दोस्तों वेयर इज बिन। ये फाइल देने के लिए आपको क्या मिलेगा कि आपका फाइल फोल्डर किस लोकेशन पर है वो चेक करने के लिए आपको ये वेयर इज बिन का ऑप्शन है, वो कमांड है, वो आपको यूज करना पड़ेगा। इसी तरह से आप पार्टिकुलर फाइल और फोल्डर का एक लोकेशन है चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये मेरा बिन फोल्डर है वो अभी है कि नहीं वो मैं अभी चेक करके मैं बता रहा हूँ। देखिए मैंने टाइप किया और देखिए मेरा अभी बता रहा है कि आप जहीं पे काम कर रहे हैं वहीं फाइल और फोल्डर के अंदर में हो, अभी दिखा रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं। चलिए मैंने इसे क्लियर कर दिया। लोकेट कमांड है वो आपका फाइल का नेम है वो आपको बताएगा, लोकेट एट फाइल नेम आपको शो करेगा दोस्तों। तो चलिए लोकेट मैंने क्लिक किया यानी कि टाइप करके मैंने इंटर किया। तो देखिए आपका फाइल नेम है वो लिस्ट अनुसार में आपको दिखा रहा है, शो हो रहा है। देखिए देख सकते हैं आप किसी पार्टिकुलर फाइल का नाम चेक करना चाहते हो तो उसे लोकेट का ऑप्शन देके आप चेक कर सकते हो। चलिए यहाँ मैं अपना फाइल नेम दे रहा हूँ, लोकेशन देखे मेरा अपना माई फाइल नेम देगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना सारा ऑप्शन आ रहा है, यहाँ फाइल का लोकेशन भी दिखा रहा है कहाँ पर है, और डाटा बेस कुछ इस तरह का दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। चलिए आप इधर से फाइल का लोकेशन भी चेक कर सकते हैं। देखिए मैंने सोधी टाइप कर दिया लोकेट, और लोकेट की टाइप करने के बाद आपको कुछ इस तरह का फाइल फोल्डर जो उसका नाम लोकेशन और डाटाबेस का ऑप्शन जो मिल जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं। तो चलिए मेरा आप चलते हैं हम अगला कमांड के ओर। तो हमारे अगला कमांड चलिए मेरा अगला कमांड है वो मेन कमांड है। मेन कमांड क्या करता है, मेन कमांड आप कोई पार्टिकुलर फाइल जैसे DMER कमांड है वो है, उसके अंदर क्या क्या आप वो कमांड के यूज़ करके क्या क्या कर सकते हैं वो कर सकते हैं। मैंने वो कमांड दिया और वो फोल्डर नेम भी दे दिया। और देखिए ये MDR कमांड से आप क्या क्या कर सकते हैं वो लिस्ट आके शो हो रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के कि एक कमांड से आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैंने इसे क्लियर करके ये लिस्ट हाँ। तो दोस्तों आप देखा कि कैसे मैंने आपको बेसिक कमांड के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या आप बेसिक कमांड से आप क्या क्या कर सकते हो दोस्तों। तो ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साइड में बेल आइकन को दबाएं दोस्तों। तो मैं आपसे आशा रखता हूँ कि प्लीज़ आपने हमारे चैनल को है वो सब्सक्राइब कर दिया हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बाय।